तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबी कोबरा स्नेक यानी नाक का बच्चा, कोबरा स्नेक का छोटा बच्चा। देखिए किस तरह रहता है, जब ये पैदा होते हैं, जब अंडे से बाहर निकलते हैं तब ये अपना हुड उठा सकते हैं। देखिए किस तरह वो अभी अभी शायद ये बहुत से बहुत 10-20 दिनों का होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बुरानगर गांव से इसको रेस्क्यू किया था, जब बारिश हो रही थी तो इसलिए हम इसको रेस्क्यू करते टाइम वीडियो नहीं बना पाए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट में, पर्यावरण में उसको आज़ाद करने के लिए आए थे, तो मैंने इसका वीडियो बनाना ठीक समझा, क्योंकि हमने बड़े कोबरा स्नेक तो बहुत देखे लेकिन बेबी कोबरा स्नेक अभी तक देखा नहीं। तो हमारे पास स्नेक का बैग लेके गए थे हम, देखिए, लेकिन हमें लगा बड़ा स्नेक होगा दोस्तों, बहुत ही छोटा था, इसलिए हमने इसको एक प्लास्टिक की बोतल में डाला है। देखिए यहाँ पर किस तरह वो काटने की कोशिश करता है। तो दोस्तों एक ये सांप, बहुत ही छोटा है लेकिन जहरीला है, अभी ये काट सकता है, इसके जहर से एक इंसान मर भी सकता है दोस्तों, अगर इसने किसी को काट लिया। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आपके घर के आजू बाजू में, घर में ऐसे छोटे भी सांप निकलते हैं तो गलती से उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो जहरीले सांप होते हैं वो जब अंडे से बाहर निकलते तब भी किसी को काट सकते हैं और इंसान मर भी सकता है, क्योंकि इसमें जन्मते ही उनमें जहर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट में इसको हम आज़ाद कर देंगे, देखिए। देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये, देखो किस तरह काटने की कोशिश करता है, देखिए। दोस्तों अगर आप इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस देखना चाहते हो, सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाइए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।